तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी के अगले टॉपिक के बारे में, विच इज टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के टाइप्स को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ग्राफ हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं और अपनी आगे आने वाली टर्मिनोलॉजीज को ग्राफ के टाइप्स के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। आइए समझ लेते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल ग्राफ के बारे में। अ ग्राफ इन विच देर इज नो सेल्फ लूप एंड एनी मल्टीपल एज, इट इज कंसिडर्ड एज एन सिंपल ग्राफ। एक ऐसा ग्राफ जिसमें कि कोई भी सेल्फ लूप या किसी भी तरह की कोई भी पैरेलल एज, मल्टीपल एज नहीं होती, देन दिस इज कंसिडर्ड एज सिंपल ग्राफ। एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल ग्राफ का और उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। सपोज वी आर हैविंग फाइव वर्टिसेस, नेमली ए बी सी डी एंड ई, और हमको सिंपल ग्राफ बनाने के लिए बोल दिया गया, तो हमको भी ये ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी तरह का सेल्फ लूप या मल्टीपल एज को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो आप यहां पर आप किसी भी तरह से स्ट्रेट लाइंस के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देर कैन बी कनेक्शन लाइक दिस ऑल्सो, देर कैन बी अ कनेक्शन ऑफ लाइक दिस ऑल्सो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट देर इज, इफ सच टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन इज देयर, देन दिस इज नॉट अलाउड इन दिस सिंपल ग्राफ, या किसी भी तरह का सेल्फ लूप जो है सिंपल ग्राफ में अलाउ नहीं होगा। तो मतलब दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल, कि वो बिल्कुल सिंपल है, इसमें किसी तरह का कोई भी सेल्फ लूप या कोई भी तरह की पैरेलल एज नहीं है। यहाँ पर वर्टिसेस को या एजेस को लेकर के कोई भी रेस्ट्रिक्शन ऐसी नहीं है कि कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ एजेस होनी चाहिए। बस रेस्ट्रिक्शन सिंपल सी यही है कि इसमें सेल्फ लूप या मल्टीपल एज नहीं होनी चाहिए। आगे दूसरा टाइप देख लेते हैं। अगला है मल्टीग्राफ। मल्टीग्राफ इज अ ग्राफ इन विच देर इज अ सिंगल इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल और पैरेलल एजेस कॉम्बिनेशन। मतलब किसी भी एक ग्राफ में डेफिनेशन वाइज हम देख सकते हैं, अ ग्राफ हैविंग एटलीस्ट वन पेयर ऑफ मल्टीपल एजेस बिटवीन टू वर्टिसेस, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज मल्टीपल ग्राफ। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ग्राफ में एक या उससे ज्यादा पेयर अगर हमें मल्टीग्राफ की मल्टीपल एजेस के, मल्टीपल पैरेलल एजेस के मिलते हैं, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मल्टीग्राफ। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर। एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया विच इज सिंपल, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर किसी भी तरह का पैरेलल एज या सेल्फ लूप नहीं है, तो दिस इज सिंपल। और अगर आप यहां पर कोई सा भी एक भी एक इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं, दैट इज E1 एंड E2, मींस E1 एंड E2 आर पैरेलल टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू द AB वर्टिसेस, मींस दे आर हैविंग द कनेक्शन बिटवीन A एंड B ओनली, सो दिस इज द सिंगल पेयर ऑफ द मल्टीपल एजेस इंट्रोडक्शन। तो अगर किसी भी ग्राफ में अगर एक भी पेयर ऐसा मिल गया तो वो ग्राफ मल्टीग्राफ की कैटेगरी में चला जाएगा और सिंपल ग्राफ नहीं रहेगा। एक से ज्यादा भी आप यहां पर मल्टीपल एजेस को पा सकते हैं, लेट्स से इट इज E4 एंड E5, देन इन दिस केस वी कैन सी दैट E4 एंड E5 आल्सो हैविंग मल्टीपल कनेक्शंस विद द पैरेलल वर्टिसेस लाइक F एंड E। सो सिंगल इंट्रोडक्शन और मल्टीपल इंट्रोडक्शन ऑफ द पैरेलल एजेस बिटवीन द पेयर ऑफ टू वर्टिसेस विल इट एज ए मल्टीग्राफ। नेक्स्ट इज सूडोग्राफ। नेक्स्ट इज सूडोग्राफ। सूडोग्राफ इज अ ग्राफ इन विच मल्टीपल एजेस एंड सेल्फ लूप्स आर अलाउड। आई रिपीट, मल्टीपल एजेस एंड सेल्फ लूप आर अलाउड, सच टाइप ऑफ ग्राफ्स आर कॉल्ड सूडोग्राफ। हेयर पी विल बी साइलेंट एंड इट विल बी प्रोनाउंस्ड लाइक सूडोग्राफ। ओके, हेयर यू कैन सी अ सिंपल ग्राफ बिकॉज देयर इज नो पैरेलल एज एज वेल एज नो सेल्फ लूप। सो इफ इन अ ग्राफ देयर इज अ सिंगल इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल एज, तो ये किस कैटेगरी में हो जाएगा, अभी ये मल्टीग्राफ है, यानी पहले सिंपल ग्राफ था, उसके बाद एक पैरेलल एज अगर इसमें इंट्रोड्यूस कर दी गई, तो अभी सिंपल ग्राफ ना रह करके हमारे पास ये मल्टीग्राफ हो गया। नाउ इफ देयर इज एनी सेल्फ लूप आल्सो ऑन एनी वर्टेक्स, एनी नंबर्स, मींस एक सेल्फ लूप हो या दो हो या तीन हो, सिमिलरली एक मल्टीपल एज हो या दो या तीन या चार भी हो सकती है, ठीक है, तो मींस सिंगल इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल एज एज वेल एज सेल्फ लूप makes it as a pseudograph. So simple graph, सबसे पहले simple graph, उसके बाद हमने एक introduction लगाया multiple edge का, तो हो गया multigraph, and then single introduction of loop is making this one as a pseudograph. और भी कई सारे तरह के graph होते हैं, आइए उनको देख लेते हैं। Next is even graph. Even graph is a graph in which the degree of all its vertices are even in count. Degree का concept आपको पता ही है, degree means the number of the edges incident to that particular vertex is called the degree of that vertex. Jitni edges is ek particular vertex ko touch kar rahi hain is called the degree of this vertex. To aap yahan par aap dekh sakte hain is pure graph mein is particular vertex ki degree hamare paas 2 hai, b ki degree bhi 2 hai, c ki degree, d ki degree bhi 2 hai,
ए की डिग्री भी आप देख सकते हैं हमारे पास 2 है एंड सी की डिग्री हमारे पास 4 है. मींस ऑल ऑफ इट्स वर्टिसेस आर हैविंग द डिग्री इन इवन नंबर्स 2, 2, 2, 2 एंड 4. कोई 6 भी हो सकता है, कोई 8 भी हो सकता है, कोई 10 भी हो सकता है. मींस इनकी जो किसी भी वर्टेक्स की डिग्री जो है अगर आप उसको चेक करेंगे तो वो इवन नंबर में ही मिलेगी. और सारे के सारे वर्टेसेस की डिग्री अगर इवन नंबर में ही है तो उस पर्टिकुलर ग्राफ को हम इवन ग्राफ आराम से कह सकते हैं. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. सपोज मेरे पास 3 वर्टेसेस दिए गए हैं और मेरे को इसको इवन ग्राफ की कैटेगरी में बनाना है तो आई कैन इजिली मेक दिस वन एज अ सिंपल ग्राफ. मीन्स 2, 2 एज वेल एज 2. यहां पर मैं मेंशन करना चाहता हूं कि इवन ग्राफ सूडो भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं और सिंपल भी हो सकते हैं. मीन्स देर इज नो रेस्ट्रिक्शन कि इवन ग्राफ है वो बेसिकली सिंपल ही होगा या मल्टीपल होगा या सूडो होगा. ये कोई भी तरह का ग्राफ हो सकता है लेकिन यहां पर जो डिग्री का काउंट इसके वर्टिसेस का है वो हमेशा इवन नंबर का होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है. आइए समझ लेते हैं दूसरा ग्राफ के बारे में. नेक्स्ट इज ऑड ग्राफ. लाइकवाइज ऑफ इवन ग्राफ वी कंसिडर्ड एज एन ऑड ग्राफ इन विच ऑल द वर्टिसेस आर हैविंग ऑड डिग्री. ऑड डिग्री से मतलब जितने भी वर्टिसेस की जो डिग्री है वो 1, 3, 5, 7 या 9 तक ही होनी चाहिए. आइए देख लेते हैं इस एग्जांपल को. Here you can see one pendant vertex and one pendant vertex of F. So one degree of this one, one degree of this one. Here 1, 2, 3, 3 degree of B. 1, 2, 3, 3 degree is of C. 1, 2, 3, 4, 5, 5 degree is of D as well as 1, 2, 3, 3 degree is of 3. आप यहां पर देख सकते हैं कि सारे के सारे वर्टिसेस की जो डिग्री है वो या तो 1 है या तो वो 3 है या वो किसी ग्राफ में हमारे पास 5 तक भी जा रही है. तो यानी 1, 3, 5 यही कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है. मींस सारे के सारे वर्टिसेस की जो डिग्री है वो हमेशा ऑड नंबर में है. तो ऐसा ग्राफ जिसमें सारे के सारे वर्टिसेस की डिग्री ऑड नंबर्स में हो वो ऑड ग्राफ कहलाता है. और यहां पर वही प्रिंसिपल फॉलो होगा कि ये सूडो भी हो सकता है, सिंपल ग्राफ भी हो सकता है और मल्टीग्राफ भी हो सकता है. जैसे कि मैं इसी में मॉडिफाई करूं तो हियर वी कैन इजीली ड्रॉ अनदर वेरिएबल विद 1 एज वेल एज हम इसको एक और ड्रॉ करें तो दैट इज वी 1. तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी डिग्री बढ़कर के हमारे पास 3 हो गई है. ये हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया. सिमिलरली हम यहां पर अगर मल्टीपल एजेस को इंट्रोड्यूस करा दें तो देर विल बी 4. नाउ एक एज इंट्रोड्यूस होते के साथ ही हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 की कैटेगरी में चला गया, ये भी 1, 2, 3, 4 की कैटेगरी में चला गया. एंड देन अगेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग 1 पैरेलल एज. तो अब इसकी हमारे पास डिग्री कितनी हो गई है, 1, 2, 3, 4, 5 एज वेल एज 1, 2, 3, 4, 5. सो नाउ इन स्पाइट ऑफ मॉडिफाइंग द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स इट इज स्टिल इन ऑड ग्राफ कैटेगरी बिकॉज इसकी डिग्री अब हमारे पास 5 हो गई है, इसकी डिग्री भी हमारे पास 5 हो गई है. इवन वी आर इंट्रोड्यूसिंग दी मल्टीपल एजेस. तो ये ग्राफ अब ये ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं रहा, ये ग्राफ हमारे पास मल्टी ग्राफ हो गया है. इन वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू मल्टीपल एजेस विद दिस ग्राफ. सो द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम कि ये हमारे पास ऑड ग्राफ ही रहने वाला है. आइए समझ लेते हैं आगे और दूसरे ग्राफों के बारे में. नेक्स्ट इज रेगुलर ग्राफ. और रेगुलर ग्राफ कैन बी सिंपल ग्राफ, सूडो ग्राफ, मल्टी ग्राफ एज वेल एज इवन एंड ऑड ग्राफ. लेकिन इसके साथ एक कंडीशन रेस्ट्रिक्शन ये रहने वाली है, अ ग्राफ इज हैविंग द सेम डिग्री ऑफ ऑल इट्स वर्टिसेस, सेम नंबर ऑफ डिग्री, वेदर इट इज ऑड वेदर इट इज इवन. अब इवन और ऑड के बेसिस पर हम यहां पर क्या करने वाले हैं कि जो ग्राफ की डिग्री इसके पहले वर्टिसेस की है वही डिग्री इसके सारे के सारे वर्टिसेस की होगी. अनलाइक ऑफ इवन एंड ऑड, इवन में हम क्या करते थे कि इसकी अगर 2 डिग्री है तो इसकी 4 हो सकती है, इसकी 6 हो सकती है, इसकी 8 हो सकती है, अगेन फिर इसकी 2 हो सकती है, दैट इज ओके विद द इवन ग्राफ. ऑड ग्राफ में अगर बात करें तो इसकी 3 हो सकती थी, इसकी 5 हो सकती थी, इसकी 7, इसकी 1, ऐसे हम कर सकते थे. मींस दैट विल बी द ऑड ग्राफ. लेकिन अगर हम यहां पर केवल रेगुलर ग्राफ की बात करते हैं तो इसमें जितने भी वर्टिसेस हैं उन सबकी डिग्री सेम होगी, इवन है या ऑड है इससे फर्क नहीं पड़ता. इवन है तो उतने ही नंबर में रहने वाली. मीन जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इस पर्टिकुलर वर्टेक्स की डिग्री हमारे पास 2 है तो इसकी भी 2 ही होनी चाहिए, इसकी भी 2 ही होनी चाहिए, इसकी भी 2 और इसकी भी 2. मीन सारे के सारे वर्टिसेस की डिग्री आपस में बिल्कुल सेम होनी चाहिए. जैसे कि हम एक एग्जांपल ये लेते हैं, इसमें ए की डिग्री हमारे पास 3 है,
बी की डिग्री भी हमारे पास 3 है, सी की डिग्री भी हमारे पास 3 है, एज वेल एज डी की डिग्री भी हमारे पास 3 है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये एक हम देखें तो ये ऑड ग्राफ है, इसको देखें तो हम ये इवन ग्राफ है, बट बोथ आर द रेगुलर ग्राफ, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इसकी हर एक वर्टेक्स की डिग्री जो है वो आपस में सेम होगी। आगे देख लेते हैं दूसरे ग्राफ के बारे में। नेक्स्ट टाइप इज ऑफ कंप्लीट ग्राफ। व्हाट इज अ कंप्लीट ग्राफ? कंप्लीट ग्राफ में जितने भी वर्टिसेस एक पर्टिकुलर ग्राफ में होते हैं, हर एक वर्टेक्स हर एक दूसरे वर्टेक्स के साथ एक प्रॉपर सेपरेट कनेक्शन रखता है। मींस हर एक वर्टेक्स से हर एक दूसरे वर्टेक्स पर जाने के लिए एक सेपरेट एज होती है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। मींस कंप्लीटली कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली कनेक्टेड ऑल्सो। सो हियर वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, 1, 2, 3, 4 and 5 5 vertices are there, namely A, B, C, D as well as E. So means A will be having the connection with the rest of the vertices, like A is having connection with B, C, D and E also. B is having connection with A, C, D and E. And same property baki vertices bhi apply karenge. Aiye isko dekh lete hain kaise pura karenge. So 1, 2, 3 and 4. A is having the connection with all of rest vertices. Similarly, B is having connection with all the vertices, so there is a connection between B and A. So B से C के लिए connection जाएगा, B से D के लिए connection जाएगा, and B से E के लिए connection जाएगा. तो इसके connections पूरे हो गए, इसके पूरे हो गए. IS को देख लेते हैं. There is a connection between A and C and A as well as C and B. So अब C and D के लिए connection जाएगा, and C से हमारे पास E के लिए connection जाएगा. And finally अब हम D को देखें तो D is having connection with C, A as well as B. केवल E छूट गया है, E को हम पूरा कर दें तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे D का भी पूरा हो गया, तो E का भी हमारे पास ये कनेक्शंस पूरे हो गए हैं। तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीटली कनेक्टेड विद ईच अदर, मींस जहां पर हर एक वर्टेक्स हर एक दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्शन रखे, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैश टोपोलॉजी इन द नेटवर्किंग फील्ड। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज हमारे पास यहां पर 3 वर्टिसेस हैं, लाइक नेमली A, B एंड C, सो इट इज हैविंग द कनेक्शन विद B as well as having connection with C. Similarly, B is having connection with A as well as C also. And automatically, C is having connection with A and B. So there is a formula to find out the number of the edges present in the complete graph. This is N, N minus 1 upon 2. This is a simple formula to calculate the number of the edges. N is the number of vertices are there. So aiye dekh lete hain is par kitni edges hongi. N is there 5. So as per the formula, 5 multiply with 5 minus 1 that is 4 divided by 2, so 2, तो ये हमारे पास 10 आ गया, तो means यहाँ पर 10 number of edges होंगी, क्योंकि जहाँ पर अगर बड़े graph हैं, बड़े कई सारे vertices आपको दे रखे हैं, तो there will be very complicated to find out the number of the edges or find out the particular connections of the graph. So similarly इसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 3 vertices हैं, तो 3 multiply with n minus 1 means 2 divided by 2, so means 3 edges will be there. So this is called a simple graph. आप देख सकते हैं ये simple graph भी है and complete graph भी है. तो it is called, ये universal truth है कि एक complete graph हमेशा simple graph की category में होगा. क्योंकि हम जैसे ही अगर इसके connections को बढ़ाते हैं, तो ये multi graph की connection में category में चला जाएगा और इस formula को ये false कर देगा. ये formula के हिसाब से यहाँ पर number of the edges आने हैं. तो this is not allowed in the complete graph. I hope कि आपको ये types of graph clear हुए हो. Thank you so much.